हाय एवरीवन, दिस इज यूसुफ एंड यू आर वाचिंग प्रोएक्टिव इन्वेस्टर्स। आज की मैं अपनी इस वीडियो में बात करूंगा कि किस तरह हम मिनिमम अमाउंट के साथ रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर हम कनाडा में घर बाय करना चाहते हैं तो हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि फेस करनी पड़ती है वो है डाउन पेमेंट। फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए या कोई भी घर आप बाय करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 5% से स्टार्ट करना पड़ता है। 5% डाउन पेमेंट का मतलब है कि अगर आपने घर 5 लाख का बाय करना है तो आपको 25,000 पे करना पड़ेगा, और जब आप 5% पे करेंगे तो आपको मॉर्गेज इंश्योरेंस भी पे करनी पड़ेगी जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5% के साथ 19,000 बनती है। और अगर आप सोचते हैं कि आप इस 19,000 जो कि मॉर्गेज इंश्योरेंस है उसको रिड्यूस करें तो आपको अपनी डाउन पेमेंट इंक्रीज करनी होगी, और अगर आप डाउन पेमेंट इंक्रीज करते हैं 5% टू 10% और 10% का मतलब है 50,000 5 लाख के घर के ऊपर, तो आपकी मॉर्गेज इंश्योरेंस 19,000 से अप्रॉक्सीमेटली 14,000 हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग सोचते हैं कि हम इस मॉर्गेज इंश्योरेंस से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको मिनिमम 20% पे करना होगा, और 5 लाख के घर का 20% 1 लाख बनता है, और 1 लाख जब आप डाउन पेमेंट पे करेंगे तो आपको कोई मॉर्गेज इंश्योरेंस पे नहीं करनी पड़ेगी। सो आज की मैं अपनी इस वीडियो में वो स्ट्रेटजीज पर बात करूंगा कि किस तरह हम $500 से रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट पर मंथ हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरह हम जानते हैं कि साल के हम आखिरी महीने यानी कि दिसंबर में एंटर हो चुके हैं, तो अगर आप मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको आप अपने RRSP अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, और जब आप अपने RRSP अकाउंट के थ्रू करेंगे तो आप उसको अपने टैक्स में क्लेम करके उसके ऊपर टैक्स रिफंड हासिल कर सकते हैं। सो चलते हैं आज की उस वीडियो की तरफ जिसमें मैं बात करूंगा कि किस तरह हम अपनी स्मॉल अमाउंट के साथ रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो एक्चुअली मैं बात करूंगा कि वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं या कौन सी वो ऐसी रीट्स यानी कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं जिसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करके मंथली बेसिस पर प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। मंथली बेसिस पर ये कंपनी क्यों पे करेंगी? क्योंकि एक्चुअली ये कंपनीज जो अपने टेनेंट से रेंट लेती हैं वो मंथली बेसिस पर कलेक्ट करती हैं, और अगर ये मंथली बेसिस पर कलेक्ट करती हैं तो ये मंथली बेसिस पर ही अपना प्रॉफिट अपने तमाम शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती हैं। सो लेट्स जंप इनटू माय कंप्यूटर एंड सी व्हाट आर दोज स्टॉक्स। मेरी आज का पहला रीट स्टॉक है नॉर्थ वेस्ट हेल्थ केयर प्रॉपर्टीज। नॉर्थ वेस्ट हेल्थ केयर प्रॉपर्टीज तकरीबन 189 प्रॉपर्टीज को ओन करती हैं जिनसे ये मंथली बेसिस पर रेंट कलेक्ट करती है। ये मेजरली हेल्थ केयर सेक्टर्स में डील करती है, क्लिनिक्स, रिटायरमेंट होम्स एंड हॉस्पिटल्स। नॉर्थ वेस्ट हेल्थ केयर प्रॉपर्टीज रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट जो के टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में आप बाय या सेल कर सकते हैं, और ये कैनेडियन इक्विटी है, सो हम इसको कैनेडियन डॉलर्स में बाय कर सकते हैं। मार्केट प्राइस है $12.18 और आज ये 0.05 सेंट्स के साथ डाउन रहा। और अगर मैं इसके स्टॉक की डिविडेंड या मंथली प्रॉफिट की बात करूं या मंथली गेन की बात करूं तो वो है 6.54%। इस कंपनी ने लास्ट 10 ईयर से कभी भी अपना कोई भी डिविडेंड मिस नहीं किया। अगर मैं ये कहूं कि ये कंपनी ग्लोबली डाइवर्सिफिकेशन कंटेन करती है तो ये बात झूठ नहीं, क्योंकि ये कंपनी ना सिर्फ कनाडा बल्कि दूसरे मुल्कों में भी अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है, और उसमें आता है लंदन, सिडनी, मेलबोर्न एंड बर्लिन जैसी कंट्रीज में। ग्लोबली डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो की वजह से इस कंपनी को सिलेक्ट किया गया है। आया कि इस कंपनी का मेजर हेड ऑफिस जो कि कनाडा में है और यहां से ऑपरेट होता है, तो यही वजह है कि जब हम इसको इस स्टॉक को बाय करेंगे तो हमें कैनेडियन करेंसी में ही बाय करना पड़ेगा, और
इसके जो 50% ऑपरेशंस हैं वो के दूसरी कंट्रीज में परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन हम इसको जब कैनेडियन करेंसी में बाय करेंगे तो हमें कोई विदहोल्डिंग टैक्स और ना ही हमें करेंसी कन्वर्जन पे करना पड़ेगा। और अगर मैं इसके टेनेंट्स की क्रेडिट रेटिंग की बात करूं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसके टेनेंट्स में शॉपर ड्रग मार्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, हेल्थ केयर और इस तरह के तमाम बड़े कंपनीज या उन कंपनीज के नाम आते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा फमिलियर हैं। अब हम देखते हैं कि इसके फाइनेंशियल स्टेटस 2019 के क्या थे। अगर आप इसके फाइनेंशियल स्टेटस में बैलेंस शीट को चेक करूं और ये बैलेंस शीट के तमाम नंबर थाउजेंड्स में आए तो इसका आप देख सकते हैं कि टोटल एसेट 5.5 बिलियन है, जबकि टोटल लायबिलिटीज 4.34 बिलियन है। और इस तरह इसके जो अंडरलाइन एसेट्स हैं वो तकरीबन 2 बिलियन हैं। और इसी कंपनी ने अपनी इस लास्ट क्वार्टर की जब रिपोर्ट को फाइनेंशियल रिपोर्ट को रिलीज किया है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो इसके इस फाइनेंशियल रिपोर्ट में टोटल एसेट्स जो हैं वो हैं 5.6 बिलियन और ये 30 सितंबर 2020 की रिपोर्ट है, और यानी कि इस साल की लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट। और उसमें 2019 में 5.5 बिलियन थे जबकि 2020 में 5.6 बिलियन। और इसी तरह अगर आप इसकी टोटल लायबिलिटीज को चेक करें तो वो 3.4 बिलियन है। सो इस तरह 2019 में इसके तकरीबन जो अंडरलाइन एसेट्स की वैल्यू है वो है 2.2 बिलियन। सो इस एंगल से ये एक बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव कंपनी है। आया कि इस कंपनी का जो अंडरलाइन एसेट्स हैं या मार्केट कैप है वो 2.14 बिलियन है, जो कि एक बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट है। सो इस एंगल से मेरी नजर में ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो कि प्रोग्रेस कर रही है, और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप मंथली बेसिस पर प्रॉफिट भी गेन करेंगे। अब हम देखते हैं अगला अपना दूसरा वो कौन सा ऐसा स्टॉक है जिससे हम मंथली बेसिस पर प्रॉफिट को हासिल कर सकते हैं। तो दूसरी ऐसा स्टॉक कंपनी जिससे हम ना सिर्फ मंथली बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं बल्कि कैपिटल गेन की सूरत में भी प्रॉफिट हासिल करते हैं। कैपिटल गेन से मुराद है एप्रिसिएशन इन स्टॉक प्राइस, और वो कंपनी है ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट कंपनी ऑपरेट करती है मेनली इन इंडस्ट्रियल सेक्टर में। स्टॉक एक्सचेंज में इसका सिंबल है GRT और ये भी एक कैनेडियन इक्विटी है, यानी कि इसको हम कैनेडियन करेंसी में बाय कर सकते हैं। करंट प्राइस है इसकी 76.55 पर शेयर, और ये कंपनी भी ग्लोबली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को कंटेन करती है, क्योंकि ये ना सिर्फ कनाडा बल्कि इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स, इन तमाम कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करती है। और अगर हम इसके टेनेंट्स की बात करूं तो वो उन तमाम टेनेंट्स से के नाम से आप काफी फेमिलियर हैं। इस कंपनी का तकरीबन 37% एनुअलाइज रेवेन्यू मैग्नम से जनरेट होता है, और इसके अलावा इसके टेनेंट्स में आते हैं अमेज़न, वेफर, वॉलमार्ट, सैमसंग। ये वो तमाम कंपनीज हैं जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, और इन तमाम कंपनी से ये मंथली बेसिस पर अपना रेंट जनरेट करते हैं, और इसकी जो रेंट कलेक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली 100% है। और 2019 के अगर मैं इसके एसेट्स की बात करूँ तो इसके टोटल एसेट्स हैं 4.8 बिलियन, जबकि टोटल लायबिलिटीज हैं 1.6 बिलियन। सो इसके अंडरलाइन एसेट्स जो कि अप्रोक्सीमेटली 3.2 बिलियन है। अगर मैं इसकी इस रिपोर्ट को 2020 की 3 सितंबर को रिलीज होने वाली इनकी फाइनेंशियल्स रिपोर्ट से कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि इनके टोटल एसेट्स हैं 5.9 बिलियन जबकि टोटल लायबिलिटीज वो हैं 2.2 बिलियन। सो इस तरह इसके जो अंडरलाइन एसेट्स हैं वो इंक्रीज कर गए हैं 3.7 बिलियन, जबकि 2019 में थे 3.2 बिलियन।
सो ओवरऑल ये कंपनी इवन के इसका जो मंथली डिविडेंड है या मंथली प्रॉफिट वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर मैं इसके डिविडेंड की बात करूं तो वो है 3.79, जो कि इतना ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अगर आप इसके चार्ट की तरफ देखें तो ये चार्ट मार्च से बहुत ज्यादा अग्रेसिवली इम्प्रूव हुआ है, और जो कि अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पे है आजकल, और वो प्राइस है $76.55। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ज्यादा रिलायबल कंपनी है, क्योंकि जिससे आप दो तरह की प्रॉफिट यानी कि मंथली प्रॉफिट और कैपिटल गेन दोनों हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा इस कंपनी की एक खासियत ये भी है, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की, कि ये कंपनी ग्लोबली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कंटेन करती है। अब चलते हैं अपने उस तीसरे स्टॉक्स की तरफ जिससे आप मंथली बेसिस पर प्रॉफिट को हासिल कर सकते हैं, और वो थर्ड कंपनी है ट्रू नॉर्थ कमर्शियल। और इस कंपनी के जो मेजर ऑपरेशंस हैं वो कमर्शियल ही हैं। स्टॉक एक्सचेंज में इसका सिंबल है TNT, और ये भी कैनेडियन इक्विटी है, सो इसको हम कैनेडियन डॉलर्स में बाय कर सकते हैं जो, और इसकी करंट प्राइस है 6.48 पर शेयर। और अगर मैं इसकी देखें आप लास्ट ईयर की पूरी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज, तो वो है 3.83 टू 8.17। सो अभी ये मिडल में है, दिस इज द राइट टाइम टू जंप इनटू दिस स्टॉक, क्योंकि आप इसको अभी एक ह्यूज डिस्काउंट के साथ बाय कर सकते हैं। और अगर हम इसके मंथली प्रॉफिट की बात करें तो वो है 8.97%। ये कंपनी कैनेडियन बेस है, जो कि मुख्तलिफ प्रोविंस में अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है। और अगर आप इसके टेनेंट्स की तरफ देखें तो इसके जो टेनेंट्स हैं 35% गवर्नमेंट के टेनेंट्स हैं, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा, प्रोविंस ऑफ ओंटारियो, और इसके अलावा इसके कुछ जो टेनेंट्स हैं वो दूसरे बैंकिंग सेक्टर से हैं, लाइक TD बैंक है, और उसके अलावा स्टेपल्स हैं। और ये कंपनी अपना रेवेन्यू रेंट की सूरत में मंथली बेसिस पर हासिल करती है। चलें इसके देखते हैं 2019 के फाइनेंशियल स्टैट्स की तरफ। और अगर हम इसके 2019 के टोटल एसेट्स की वैल्यू को चेक करें तो वो जो टोटल इसके एसेट्स हैं वो हैं 1.3 बिलियन, और जबकि इसकी टोटल लाइबिलिटीज हैं 848 मिलियन, जो कि एक कम अमाउंट है दूसरी कंपनीज जो हमने पहले देखी उनकी निस्बत। और इस तरह इसके टोटल अंडरलाइन एसेट्स की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वो अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन है। और अगर मैं इसकी 2019 की रिपोर्ट को कंपेयर करूं 2020 के जो लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट के साथ, तो उसमें हम देखते हैं कि जो इनके टोटल एसेट्स हैं वो हैं 1.4 बिलियन, और जबकि इसकी जो टोटल लाइबिलिटीज हैं वो हैं 75 मिलियन। और इस तरह इसके टोटल अंडरलाइन एसेट्स 2020 में 891 बिलियन है। और इसका अगर आप मार्केट कैप चेक करें तो मार्केट कैप इसका 552 मिलियन है। अगरचे ये एक अमाउंट छोटी है, लेकिन इससे हम 8.97% पर मंथ प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो मंथली बेसिस पर प्रॉफिट हासिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ओपिनियन है कि ये भी एक कंपनी रिलायबल कंपनी है। चलिए अब देखते हैं वो कौन सी ऐसी नंबर 4 पे कंपनी है जिसे हम मंथली बेसिस पर प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, और वो मेरी सबसे फेवरेट कंपनी है, जो के है ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड कंपनी जो के रेंट आउट करती है वो ना सिर्फ इंडस्ट्रियल या कमर्शियल्स को डील करती है, बल्कि ये इस ऑन करती है बैंक्स, ऑफिसेस, रियल स्टेट्स, और उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी को भी। ये कंपनी भी ग्लोबली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को कंटेन करती है, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड मिडल ईस्ट, साउथ अमेरिका और एशियन पैसिफिक में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। अगर हम स्टॉक मार्केट में इसके सिंबल की बात करें तो वो है BPY। ये भी एक कैनेडियन इक्विटी है, सो आप इसको कैनेडियन डॉलर्स में बाय कर सकते हैं। करंट स्टॉक प्राइस की बात करें तो वो है $19.77 पर शेयर, और इसका जो मार्केट कैप है वो है 18 बिलियन।
और इससे हम मंथली बेसिस पर जो प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं या मंथली बेसिस पर जो भी पैसिव इनकम की सूरत में हासिल करेंगे वो है 7.89%। 2019 में इसके जो टोटल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू थी 111 बिलियन, जबकि टोटल लायबिलिटीज 66 बिलियन है। सो ओवरऑल अगर इसके अंडरलाइन एसेट्स की बात करें तो वो है अप्रोक्सीमेटली $50 बिलियन, और ये $50 बिलियन मेरी पहले तीनों कंपनी के अगर मैं अंडरलाइन एसेट्स को सम अप करूं तो उनसे ज्यादा है। सो ये एक बहुत ज्यादा रिलायबल कंपनी है। अगर हम इसके चार्ट की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी ग्रेजुअली इंक्रीज आप देख सकते हैं। सो आज का मेरा वो पांचवा और आखिरी वो ऐसा स्टॉक जिससे आप मंथली बेसिस पर भी प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं स्टॉक है स्मार्ट सेंटर्स। स्मार्ट सेंटर्स कंपनी के जो टेनेंट्स हैं वो तमाम लोग हैं जिनका ताल्लुक हमारी रोजमर्रा जिंदगी से है। सो, चलते हैं देखते हैं इस स्टॉक के बारे में। अगर मैं इसको स्टॉक एक्सचेंज में देखूं तो आप इसका जो सिंबल है वो है SRU। ये भी एक कैनेडियन इक्विटी है, सो इसको हम कैनेडियन डॉलर्स में बाय कर सकते हैं। इसकी करंट प्राइस को अगर आप देखें तो वो है $24.09, और ये प्राइस जो कि मिडल में है सो मेरे मुताबिक ये आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट प्राइस को अगर आप देखें तो वो है $32। इसे हम जो मंथली बेसिस पर प्रॉफिट हासिल करेंगे वो है 7.63%। और अगर आप इसके मार्केट कैप को देखें तो वो तकरीबन 4 बिलियन है। देखते हैं इसके 2019 के फाइनेंशियल स्टैट्स को कि वो किस तरह के थे, और उस फाइनेंशियल स्टैट 2019 के मुताबिक अगर हम देखें तो इसके जो टोटल एसेट्स हैं वो हैं 9.9 बिलियन, जबकि इसकी टोटल लायबिलिटीज वो हैं 4.5 बिलियन। सो इसके ओवरऑल अंडरलाइन एसेट्स की अगर हम को कैलकुलेट करें तो अंडरलाइन एसेट्स की जो वैल्यू बनती है वो तकरीबन बनती है 5.5 बिलियन। और अगर आप इस कंपनी के टेनेंट्स की बात करें तो वो तमाम टेनेंट्स जिन जो के हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, यानी कि हमारी ग्रोसरी या हमारी मेडिसिन, इस तरह की चीजें। और अगर मैं इसके टेनेंट्स की बात करूं तो इनके टेनेंट्स में मोस्टली इंक्लूड हैं वो टेनेंट्स जिनकी क्रेडिट वर्थ या एसेंशियल सर्विसेज टेनेंट्स हैं। वो तमाम प्रॉपर्टीज जिनको ये ऑन करता है उसकी ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 97.4% है। और इसके टेनेंट्स में आते हैं वॉलमार्ट, लॉबलोज, शॉपर्स, लॉज, डॉलरामा, कैनेडियन टायर और होम डिपो जैसे टेनेंट्स। और ये वो तमाम टेनेंट्स हैं जो कि एसेंशियल सर्विसेज टेनेंट्स हैं। कहने का मुराद ये है कि जैसे कोविड स्टार्ट हुआ था हम जानते हैं कि बहुत सारे बिजनेस डाउन थे, लेकिन उसके बावजूद इन तमाम टेनेंट्स में 60% टेनेंट्स जो कि मार्च टू टिल जून 2020 तक ओपन रहे। सो इस एंगल से ये एक रिलायबल कंपनी है, और मेरा आपसे यही ओपिनियन है कि आप इस कंपनी में जरूर जंप इन करें। और अगर आप इसके चार्ट की तरफ देखें, हम सब जानते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो मार्केट क्रैश कर गई, और उस टाइम इसकी जो प्राइस थी वो बहुत ज्यादा डाउन थी, लेकिन मार्च टू टिल टुडे आज इसकी प्राइस है $24.25। सो दिस इज द राइट टाइम फॉर मी टू जंप इनटू दीज काइंड ऑफ स्टॉक, क्योंकि आप इन स्टॉक्स को एक ह्यूज डिस्काउंट के साथ बाय कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये थे मेरे आज के वो स्टॉक्स जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करके मंथली बेसिस पर अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। चले हम एक और कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हम 25,000 इन्वेस्टमेंट करें तो मंथली बेसिस पर हम कितना हासिल कर सकते हैं। जस्ट कंसीडर करें कि ये आपके मंथ्स हैं, और यहाँ पे आपका अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट है आपका 8%, जो कि आपको ईयरली प्रॉफिट मिलेगा उस स्टॉक के ऊपर। आपने अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट की जो कि आपका 25,000 है, तो उसके ऊपर अगर हम देखें ईयरली आपको प्रॉफिट होता है 25,000 के ऊपर $2,000। $2,000 मींस कि मंथली आप $166 हासिल करेंगे, और वही अमाउंट आपकी
प्रिंसिपल में ऐड होगी, और नेक्स्ट ईयर जब वही अमाउंट से आप दोबारा स्टॉक बाय करेंगे ड्रिप की सूरत में, तो नेक्स्ट टाइम आपको जो प्रॉफिट होगी वो 167 से 167 हो जाएगी। सो इस तरह हर एक लिटिल अमाउंट के साथ आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे। आपने एक ही बार 25,000 की इन्वेस्टमेंट की, और मैंने इस अपने चार्ट को कुछ स्क्वीज किया, अगर मैं इसको करूँ तो आप देख सकते हैं, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप हर माह ग्रेजुअली देखें इंक्रीज होता जा रहा है आपका प्रॉफिट। सो आपने एक बार 25,000 इन्वेस्टमेंट की, और आफ्टर 60 मंथ्स आई मीन 5 ईयर्स के बाद वही आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 25,000 से 37,246 डॉलर्स होगी। सो इट्स मीन कि आपने तकरीबन इससे 12,246 डॉलर्स गेन किए हैं। अगर आप अपनी इसी अमाउंट को डबल कर देते हैं, आई मीन टू से 50,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं, 50,000 के स्टॉक्स बाय करते हैं, तो आप देखें आपकी जो मंथली इनकम है वो मिनिमम 333 डॉलर से स्टार्ट होगी, और ग्रेजुअली वो हर माह इंक्रीज करती जाएगी, और एट द एंड आपको अप्रॉक्सीमेटली 500 डॉलर अचीव होंगे। सो आप आफ्टर 5 ईयर्स के बाद अपने 50,000 को 74,000 में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये थी मेरी आज की कैलकुलेशन। अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और कमेंट में ये जरूर मेंशन करें कि आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है, और मेरे बताए गए उन पांचों स्टॉक्स में से कौन सा आपका फेवरेट स्टॉक है जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके मंथली बेसिस पर प्रॉफिट को हासिल कर। बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।